बच्चों, इसी तरीके का एक और उदाहरण हमारे सामने है, हम उसे भी हल करते हैं। ये उदाहरण क्रमांक 28 है। उदाहरण 28, यहां हमें जो दूसरी संख्या दी हुई है वो है 48। हमें 48 का वर्ग निकालना है, और जिस तरीके का हम उपयोग करेंगे वो अनुरूपेण विधि ही है। और देखिए, हमने पिछली बार जैसा किया था, इनको हमने दो हिस्से में लिखा, 4 और 8, जिसमें इकाई में 8 है और दहाई में 4 है। और जो हमने किया था पिछली बार, फिर से हम करेंगे। हम अपने परिणाम को इन तीन हिस्सों में लिखेंगे। हर एक हिस्सा क्रमशः इकाई, दहाई और सैकड़े के लिए होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ जो इकाई की संख्या है उसका वर्ग 8 का वर्ग होगा, और यहाँ हम लिखेंगे इन दोनों का गुणा और फिर उसका दुगुना, यानी 4 × 8 × 2। और यहाँ हम लिखेंगे दहाई की संख्या का वर्ग, यानी 4 का वर्ग। अब इसको हल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हर खाने में हमें केवल एक अंक रखना है। यदि भी जो हमें मिलेगा वो उतनी इकाइयों को, उतनी दहाइयों को और उतने सैकड़ों को बताएगा, लेकिन हमको मालूम है कि हम इकाई, दहाई, सैकड़े में केवल एक अंक ही रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हर जगह पर सिर्फ एक ही अंक रखना है। जो हमें मिल रहा है उसे देखें, क्या मिल रहा है एक बार। यहाँ देखिए, आपको मिलेगा 64, और यहाँ मिलेगा 2 × 8, 8 × 8, यहाँ भी आपको 64 मिल रहा है, और यहाँ आपको मिलेगा 4 का वर्ग, यानी 16। अब आपको इस 6 को यहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ ले जाना होगा, और यहाँ पर जो संख्या नहीं मिलेगी उसकी इकाई को, उसकी दाहिने वाले हिस्से को, माने उसकी इकाई को यहाँ रखना पड़ेगा, और जो बाकी बची हुई संख्या होगी उसे वहाँ आगे लेके जाएंगे। तो क्या मिलता है देखिए, हम यहाँ पर 4 को रखते हैं और 6 को जब यहाँ ले आते हैं तो हमें मिलता है 64 × 6, और यहाँ 16 मौजूद है। और फिर हमें दोबारा मिलेगा, इसको हम आगे देखें, हल करें, फिर से इसे बना लें, ये 3 खंड, यहाँ हमें 4 मिला हुआ है, और यहाँ 64 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा, और यहाँ 16 पहले से मौजूद है। और इतना होने के बाद आप देखिए यहाँ पर, अब फिर यहाँ हमको इस एक अंक को रखना है, 70 दहाइयाँ हैं, जिसमें 70 दहाइयों में ये 7 सैकड़े को प्रदर्शित करते हैं, सैकड़ा वहाँ चला जाएगा। और केवल जब आप इसको देखेंगे तब आप कह सकते हैं कुल 70 संख्या है जिसकी इकाई और ये दहाई है, लेकिन चूंकि खुद भी दहाई में है तो इसका मान दहाई होगा और ये सैकड़ा होगा। तो हम इकाई में 4 लिखेंगे, दहाई में 0 लिखेंगे, और 7 यहाँ चला जाएगा, तो हमको यहाँ मिलेगा 16 × 7। ये 3 हिस्से हुए। अब देखिए फिर एक बार लिखें हम, 4, 0 और 16 में 7 को मिलाने पर आपको मिलता है 23। इस तरह से जो आपको संख्या मिली 2304, जो 48 का वर्ग है। 48 में 48 का गुणा करके आप देखिए, जिन तरीकों से आप अभी तक आपने गुणा किया है, सीखा है, उनमें से किसी का भी उपयोग करिए और देखिए क्या परिणाम आपको मिलता है। एक बार जांचिए, और किसी नए उदाहरण को लेकर, नए सवाल को लेकर आप फिर से इस तरीके का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि बहुत आसानी से चीज़ें बनती हैं और आप इसे बहुत मज़े से कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए।